हेलो एंड वेलकम टू ऑल व्यूअर्स। अगर हमारी आंखों में नंबर है, यानी अगर हमारी आंखें 6x6 नहीं है, तो हमें कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि हमारा विज़न 6x6 हो जाए। इसके बारे में मैंने इस वीडियो से पहले भी कई वीडियोस बनाए हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को मैंने अलग अलग तरीके से बताया भी है। लेकिन अगर हम एक स्टूडेंट हैं या फिर आगे हम जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो इन टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करने से पहले भी हमारे बहुत सारे सवाल होते हैं और कुछ डर भी होता है, कन्फ्यूज़न भी होता है, जिसको हम क्लियर करना चाहते हैं। और इसी को क्लियर करने के लिए ही आप मुझे कमेंट ऑप्शन में कमेंट भी करते हैं। उन्हीं सवालों को देखते हुए मैंने आँखों के ऊपर जो अपडेट टेक्नोलॉजी अभी आई है उस पर भी वीडियो बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इस आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपके पास रहती है, फिर भी आपके बहुत सारे सवाल रहते हैं, क्योंकि जो संस्थान मैंने आपको बताए थे, जो भारत में टॉप मोस्ट संस्थान हैं जिनमें ये टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो कॉन्ट्रा विज़न या फिर एपी कॉन्ट्रा करते हैं, जो कि जॉब के पर्पस से सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, तो उसमें कुछ ये संस्थान हैं जो कि आपके लिए भारत में काम कर रहे हैं। तो अगर इन संस्थानों में ये फैसिलिटी है, तो इन संस्थानों में कौन सा ऐसा संस्थान है जिसमें कि हम जाएँ और अपने इस प्रोसीजर को कराएँ। लेकिन इन संस्थानों से भी जुड़े हुए हमारे बहुत सारे सवाल भी रहते हैं कि अगर कोई इन संस्थानों से जुड़ा हुआ एक डॉक्टर अगर हमारे सवालों का जवाब दे, तो शायद हमें बहुत कंटेंट भी फील होगा और एक कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा कि अगर हम ऐसा प्रोसीजर जो आँखों से जुड़ा है, जो हमारे जीवन से जुड़ा है, तो उसके बारे में हम अपने सवालों को क्लियर ज़रूर करें। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं इन संस्थानों में से किसी एक संस्थान में जाकर विज़िट करूँ और वहाँ के प्रोसीजर को देखूँ, कैसा वो संस्थान है, क्या तरीका है वहाँ का, या फिर वो कौन कौन से टेस्ट करते हैं आपके लिए। और मौका मिलेगा तो मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ के एक डॉक्टर से भी मिलूँ जो खुद ये प्रोसीजर करते हैं, यानी जो लेसिक सर्जरी करते हैं या फिर कॉन्ट्रा विज़न करते हैं या फिर एपी कॉन्ट्रा करते हैं, तो उनसे मैं मिलूँ और जो आपके बहुत सारे सवाल हैं वो मैं उनसे वहाँ पर पूछूँ। तो चलिए चलते हैं इनमें से किसी एक संस्थान में। आ चुका हूँ मैं इस हॉस्पिटल में जो आपके ठीक पीछे है, तो चलो चलता हूँ मैं अंदर। व्यूअर्स, यहाँ पर हमने देखा कि हर एज ग्रुप का पेशेंट यहाँ पर है और यहाँ पर बच्चों की संख्या भी दिखाई दी जो अपनी अलग अलग समस्याओं को लेकर यहाँ पर आए हुए थे, जो कि बचपन में उन्हें विज़न से संबंधित समस्याएं बच्चों को हो जाती हैं। ओल्ड एज लोग भी दिखाई दिए जो कि अपनी ओल्ड एज की समस्याओं को लेकर यहाँ पर आए हुए थे। साथ ही साथ यंगस्टर भी दिखाई दिए जो कि जॉब से रिलेटेड अपनी लेसिक सर्जरी यहाँ पर कराने आए हैं। फिर मैंने यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्म भरा जो बेसिक इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड था, जो सभी को भरना होता है यहाँ पर। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो भी टेस्ट होते हैं उनकी जानकारी ली और उनके बारे में पूछा, कैसे ये टेस्ट होते हैं इसको भी जाना। इसके बाद कुछ और भी टेस्ट जो पेशेंट्स के यहाँ पर किए जाते हैं, तो उन टेस्ट्स को भी मैंने देखा कि वो किस तरीके के होते हैं। व्यूअर्स, यहाँ की कुछ मशीनों को मैंने खुद बैठकर भी देखा कि वो किस तरीके से जांच करते हैं, उनका जांच का क्या तरीका है। यहाँ पर आज मैंने मिलकर डॉक्टर से भी समय लिया है, लेकिन क्योंकि यहाँ शाम हो चुकी है तो डॉक्टर्स लेसिक सर्जरी में बिजी हैं, जो कि कॉन्ट्रा विज़न और एपी कॉन्ट्रा यहाँ पर जो होता है, जो मेन मोस्टली फेमस है। तो आई होप सो मैं उनसे कल मिल पाऊँगा। तो कल जब मैं उनसे मिलूँगा तो मेरे बहुत सारे सवाल हैं जो आप लोगों ने पूछे हैं, और आप लोगों के जो कमेंट ऑप्शन में डिफरेंट डिफरेंट लेसिक सर्जरी से रिलेटेड जो सवाल हैं वो सारे मैंने नोट किए हुए हैं। और जब मैं उनसे कल मिलूंगा तो वो सारे सवाल मैं उनसे डायरेक्ट पूछूंगा, क्योंकि वो खुद इस सर्जरी को कर रहे हैं, तो वो एक ऑथेंटिक जानकारी आपको दे सकते हैं और एक राइट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है जो कि आपको अपने जीवन में एक नया शेप देने में मदद करेगी। यानी जो प्लान आप कर रहे हैं अपने लाइफ में, अगर आपकी आंखों में नंबर है तो कौन सा आपको ऑप्शन चूज़ करना चाहिए, इसके बारे में आपको राइट इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलेगी।
तो वो वीडियो मैं नेक्स्ट अपलोड करूँगा। और आज का वीडियो यहीं तक, कल के वीडियो में फिर से मुलाकात होगी।